कनाडा और भारत के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर तनाव चरम पर है। कनाडा ने सोमवार को खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया है। भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर चल रहे इस तनाव पर अब अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने कहा है कि वो कनाडा के सर्वे शहर में सिख कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोपों से बेहद चिंतित है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो आरोप लगाए उसे लेकर हम बेहद चिंतित हैं। हम कनाडा के अपने सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। ये जरूरी है कि कनाडा जांच करे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत की संलिप्तता की बात कही। उन्होंने कहा था, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों को सक्रियता से जांच कर रही है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।